मुकेश फ्रॉम ई एकेडमी। आज हम इन्वायरमेंट में क्लाइमेट चेंज पढ़ने जा रहे हैं। जो क्लाइमेट चेंज जो होता है वो होता क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि आजकल जो है हर कोई किसकी बात करता है, क्लाइमेट चेंज की। क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है कि जो हमारा जो अनयूजुअल चेंज हो रहा है, किसमें, टेम्परेचर में, ठीक है, रेनफॉल में, रेनफॉल पैटर्न भी काफ़ी चेंज होता रहा है, विंड पैटर्न, हवा का जो बहना है ना उसका भी पैटर्न चेंज हो रहा है, स्नो फॉल, रेनफॉल, ये सारों में जो चेंज हो रहा है वो जो है एक किसका पार्ट है, क्लाइमेट चेंज का पार्ट है। क्लाइमेट चेंज होने से क्या हो रहा है, आपका सबसे बड़ा चीज़ क्या हो रही है, वो हो रही है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग से आज हम सब बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग होने से क्या क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग होने से सबसे पहले जो सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है वो है सी लेवल जो है वो बढ़ रहा है। उससे क्या हुआ, आसपास के जितने भी सी ड्वेलिंग जो है कंट्रीज है वो जो है उन पे संकट आ गया है। रेनफॉल पैटर्न जो है वो भी काफ़ी चेंज हो गया है, ठीक है, तो उसमें चेंज हो रहा है। और क्या हो रहा है, आपका आइस कैप जितने भी थे वो क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, मतलब वो पिघल रहे हैं। ग्लेशियर भी जो है वो पिघल रहे हैं। और जो प्लैंकटॉन्स हैं, ठीक है, जो बहुत ज़रूरी है फूड चेन के लिए, उनकी संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। और क्या हो रहा है, कोरल ब्लीचिंग अलग से मैं पढ़ाऊँगा, तो उसकी घटनाएँ भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं ग्लोबल वार्मिंग से। तो कुल मिला के देखा जाए एग्रीकल्चर पे तो बहुत बेकार फ़र्क पड़ रहा है। नई नई तरीके की जो है डिसीज़, प्लांट डिसीज़ पैदा होती जा रही है, ठीक है, फूड प्रोडक्शन जो है बहुत कम होता जा रहा है क्योंकि रेनफॉल भी कम होती जा रही है। तो ये सारे जो तो वो है इम्पैक्ट्स ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो अब हम क्यों ना पढ़ें कि ग्लोबल वार्मिंग होती कैसे। तो ग्लोबल वार्मिंग को पढ़ने के लिए हम समझते हैं ये है हमारा सन, ठीक है। सन से क्या आता है, आपकी इन सोलर रेडिएशन आ रही है, जब ये अर्थ पे आती है, ये हमारी अर्थ है, तो अर्थ से टकरा के जब वापस जाती है तो वो इस तरीके से जाती है। देखो यहाँ पे मैंने क्या करा, ऐसे ऐसे पास पास इसलिए बनाया क्योंकि जो इंसोलेशन आता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है बहुत ज़्यादा होती है, और वेवलेंथ जो होती है बहुत कम होती है। वेवलेंथ का मतलब होता है ये यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा, ये हो गई पूरी एक वेवलेंथ, ठीक है। अगर ये जल्दी जल्दी हो गई, मतलब पास पास हो गई, तो इसका मतलब है वेवलेंथ कम। देखो ये वेव की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, तो अर्थ की जो अर्थ एमिट करता है, मतलब अर्थ जो रिफ्लेक्ट करता है सोलर रेडिएशन को, तो वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहलाता है। और जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है उसकी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कम होती है, और वेव लेंथ जो होती है वो ज़्यादा होती है। ये हमने पढ़ा इंसोलेशन और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब क्या होता है, कुछ ग्रीन हाउस गैस होती हैं जो अर्थ के ऊपर ऐसे ब्लैंकेट बना के रखती हैं। अभी हमें नहीं पता है कौन सी गैसेस हैं, कुछ ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो सन के द्वारा जो इंसोलेशन आया, फिर अर्थ ने जो रिफ्लेक्ट बैक किया, इसको जो है स्पेस में जाने से रोकती है। तो इसको क्या करती है, उल्टा ही पे अर्थ में अर्थ को उल्टा वार्म करने लग जाती है। अगर ये पेनिट्रेट करके बाहर स्पेस में चले जाता तो ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग गैस ने एक तरह का ऐसा ब्लैंकेट, ऐसा केज बना दिया है जिसके कारण क्या है, जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है उल्टा अर्थ की सरफेस पे ही रह रहे हैं। तो ये कौन कौन सी गैस है, सबसे फेमस गैस है CO2, वाटर वेपर, ठीक है, मीथेन, NOx, ठीक है, ये SF6, ये सारी गैसेस जो हैं ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि कैसे इस ग्रीन हाउस गैस को कम करें। फिर से बता रहा हूँ, ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं अर्थ से जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हो रहा है उसको ट्रैप कर लेती हैं, स्पेस में जाने नहीं देती, इसलिए अर्थ पे अनयूजुअल हीटिंग होने लगती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है, तो इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब हम पढ़ते हैं ग्लोबल वार्मिंग में कौन कौन सी गैस होती है। जो मेन गैस है उनको मैं पढ़ ले रहे हैं। एक है वाटर वेपर तो देखो हर जगह होती है आपकी। फिर है आपकी मीथेन, CH4, CO2, ये तो सभी को पता है। फिर NOx भी जो है ग्रीन हाउस गैस में आती है।
फिर उसके बाद आती है फ्लोरीनेटेड गैसेस। फ्लोरीनेटेड गैसेस में कौन कौन सी गैस आती है, ये सबसे खतरनाक होती हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये तीन गैसें आती हैं। NOx में कौन सी है आपकी, NO2 आती है, N2O, NO2, ये दोनों आती हैं। CO2 तो आपको पता है, मीथेन जो होता है ये कहाँ से निकलती है, ये निकलती है वेटलैंड से, ठीक है, वेटलैंड हो गया, पैडी फील्ड हो गए, धान के खेतों से निकलती है, और किससे निकलती है, एनिमल के जो वेस्ट होते हैं, ठीक है, डाइजेस्टिव वेस्ट वहाँ से निकलती है, और काउ डंग से भी जो है मीथेन गैस निकलती है, और जितने भी जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उनके डाइजेस्टिव ट्रैक, ठीक है, या डाइजेस्टिव सिस्टम के दौरान CH4 गैस भी बनती है, तो वो एनिमल भी जैसे बफेलो हो गई, ये भी CH4 एमिशन में सहायता करते हैं। तो ये सारा हमने पढ़ लिया मीथेन गैस के क्या क्या सोर्स होते हैं, काउडंग भी हो गया, एनिमल वेस्ट हो गया, वेटलैंड हो गया, पैडी हो गया, डाइजेस्टिव ट्रैक सिस्टम ऑफ एनिमल, ये सारे हो गए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या होता है। ये देखो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है बहुत बड़ा शब्द लग रहा है, लेकिन सबसे ईजी है ये, हम इसको कहते हैं आपका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। इसका मतलब क्या होता है, कोई मान लो ये गैस है ए, ठीक है, ये एक ए गैस जो है ये टोटल कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है, इन ए पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम में ये कोई एक गैस कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है, कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड, इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। मतलब कोई गैस, मतलब अब गैस लेते हैं CH4, मान लो हमारी मीथेन एक गैस है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कितनी एनर्जी, ठीक है, एब्जॉर्ब कर रही है 100 साल के अंदर, तो उसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। तो यूजली ये 100 साल के लिए देखा जाता है, तो 100 साल के अंदर गैस ए कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करती है CO2 के रिलेशन में, ये कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। तो ये मैंने जितनी भी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है गैसों का मैंने लिख दिया, आपको याद नहीं रखना है कि आप ये नंबर रटने लग गए ना, आपको एक क्रम याद रखना है कि CO2 जो है उसका एक होता है, मीथेन का उससे ज़्यादा होता है, NO2 का उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा किसका होता है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड का। ये CO2 हो गया, ये मीथेन हो गई, ये NO2 हो गई, ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो गए, परफ्लोरोकार्बन हो गए। तो कभी भी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल से आपको गैस को लगाना आए तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड को सबसे आगे रखना है, फिर परफ्लोरोकार्बन को रखना है, फिर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को रखना है, फिर NO2 को रखना है, फिर मीथेन को रखना है, फिर CO2 को रखना है। तो ये क्रम हो गया, तो ये क्रम को जो है, ये सिक्वेंस जो है, इसको याद करना, ना कि आप ये नंबर याद करने लग जाओ। अब हम इससे, ये मैंने क्यों लिखा, देखो जो भी कोई भी गैस जिसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा वो उतनी ही खतरनाक होगी, ग्रीन हाउस गैस उतनी ही खतरनाक होगी, जिसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा तो उतना ही, मतलब वो अर्थ को उतना ही ज़्यादा वार्म करेगी, और जिसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कम होगा तो वो अर्थ को वार्म कम करेगी। तो यहाँ पे मैंने आपको ये बता दिया कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल से कैसे पता करोगे कि कौन सी गैस कितनी ज़्यादा खतरनाक है और कितनी कौन सी गैस कम खतरनाक है। अब ग्लोबल जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अगर कंट्री की बात करें तो सबसे ज़्यादा करता है चाइना, फिर करता है USA, फिर करता है यूरोपियन यूनियन, फिर करते हैं हम लोग इंडिया, फिर करती है रसिया, और फिर करता है जापान। तो top 3 या top 4 तो आप याद करो, किसी भी पेपर में मिल जाएंगे, ये आपका जापान है, ठीक है। तो सबसे पहले हो गया आपका चाइना, फिर USA, फिर यूरोपियन यूनियन, फिर इंडिया, फिर रसिया, फिर जापान। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है एनर्जी, जो एनर्जी सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर जो है सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है आपका ग्रीन हाउस गैस,
फिर एनर्जी सेक्टर के बाद करता है आपका इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज के बाद करता है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये कर्म भी आपको याद होना चाहिए, कभी भी वो पूछ सकते हैं। और इकोनॉमिक सर्वे में भी इसकी अब बहुत ज़्यादा बात हुई है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि ग्रीन हाउस गैस क्या होती थी, ग्रीन हाउस गैस की कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस के सोर्सेस क्या होते हैं, कंट्री वाइज क्या कंट्रीब्यूशन है और सेक्टर वाइज क्या क्या कंट्रीब्यूशन है। तो इसको यहीं पे मैं समाप्त कर रहा हूँ। अब छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ जिससे आपको यूनिट बाय यूनिट समझ में आता रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग ई अकेडमी। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।